इसकी मारती होती है और उस मारती में हजारों की संख्या में लोग भाग लेते हैं, तो निशान चढ़ाते हैं। ये पूरे भारतवर्ष का सबसे प्रथम निशान है, विदेशों से भी लोग आते हैं, क्योंकि कई अरबों के मालिक, कंपनियों के मालिक हैं सेठ साहूकर और सेठानियां, जो कि बंगले से नीचे गाड़ी पे चलती है, गाड़ी से बंगले में एसी में रहते हैं। किसानों के लिए झुंझुनू में आ गई है फसल कटाई की आधुनिक मशीनें। पूनिया एग्रोटेक दे रहा है 5% छूट, वो भी सब्सिडी के साथ। लागत घटाएं, मुनाफा बढ़ाएं। पूनिया एग्रोटेक से आज ही संपर्क करें। राम राम जी, मैं खुशबू जिल को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ में थे, देख रहा होगा कि भाई जो श्याम बाबा की जो पदयात्रा चल रही है, काफ़ी दिनों देखा तो 8-10 दिनों लोग ही बे जान लाग रही। और अभी मैं फिलहाल उदयपुर वाटी हूँ, जो साकम्बरी रोड है, साकम्बरी उल्लाना को हूँ, उदयपुर वाटी हूँ, केवल 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर हूँ। और जो निशान चढ़ा कर है आपने, जो झुंझुनू जिलो है अभी के जो अंदर तहसील आवा है, सूरजगढ़ को जो निशान है वो चढ़ा है, और सूरजगढ़ के अंदर भी श्याम बाबा को मंदिर है, तो सूरजगढ़ को निशान है बड़े चढ़ा है, तो काफ़ी जो लोग हैं चढ़ा के हमें भक्त गणी बा अपने साथ में ही आऊँ बात करांगा। राम राम जी। सबसे पहले तो मैं सूरजगढ़ का प्राचीन निशान, भारतवर्ष का प्रथम निशान चढ़ने वाले की, निशान चढ़ने की वालों की तरफ से आपको जय श्री श्याम, जल को झुंझुनू को जय श्री श्याम। दो तीन दिन होगा सोचता कि भाई जो थारों बातचीत करा आज लास्ट में होगी, अभी थे कब साल ये निशान की, सूरजगढ़ का जो सर्वप्रथम निशान चढ़ने वाला है, इसकी परंपरा है कि एकम के दिन ठीक 11:15 बजे इस निशान की पूजा करके स्थापना होती है वहाँ पर, और एकम से लेके सप्तमी तक इसकी आरती होती है, और उस आरती में हजारों की संख्या में लोग भाग लेते हैं, और भाग लेने के बाद सही सप्तमी के दिन सही 10:15 बजे ये निशान सूरजगढ़ से रवाना होता है, सुल्ताना होते हुए सुल्ताना, दूसरे दिन गुडागोड़ जी, तीसरे दिन गुरारा, और चौथे दिन हम खाटू श्याम बाबा के धर्मशाला में पहुंचते हैं, जो प्राचीन मंदिर की एक बड़ी धर्मशाला है, और वहाँ पहुँच के हम दसवीं के दिन पहुँचते हैं शाम को, 11 के दिन हम वहाँ कीर्तन करते हैं, और 12 को दिन सुबह पहले बाबा श्याम के कुंड में स्नान करके आते हैं सभी भगत लोग, और उसके बाद में ये लोग सही 12 के दिन 11:15 बजे हम शिखरबंद के ऊपर निशान बाबा को अर्पण करते हैं, ये ध्वज लहराते हैं। और इस निशान की एक खास बात ये है, हम जो निशान चढ़ाते हैं ये पूरे भारतवर्ष का सबसे प्रथम निशान है, और ये पूरी साल भर तक ये हमारा सूरजगढ़ का प्राचीन निशान लहराता रहता है, और इसके महंत हैं श्री मनोहर लाल जी, नथुराम जी, बजरंग लाल जी, पूर्णमल जी, और निशानधारी जयसिंह जी, जो निशान लेके जाते हैं उनका नाम है निशानधारी जयसिंह जी, और इनके नेतृत्व में ये निशान चलता है। निशान में उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्रा, कोलकाता, नेपाल, दिल्ली, विदेशों से भी लोग आते हैं। तो थरे जो थे निशान लेके जाए कि थारो सूरजगढ़ को एक अलग ही एक देखा तो जनसैलाब है, वो चाला है, तो इतनी दूर का लोग जाए कि बैठाओ आवे ही गाड़ी में, और थारे साथ में बड़े सूरजगढ़ में साथ हुए हैं। हाँ जी, सूरजगढ़ में ये लोग आते हैं, इसके पीछे एक कहानी है कि जब अंग्रेजी हुकूमत था तो ये हमारे सदियों से चलता आ रहा है ये निशान सूरजगढ़ का, तो उस टाइम अंग्रेजी सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने ताला लगा दिया था बाबा श्याम के मंदिर में, कि बोले आपके देवता में इतनी करामात है, आपके भगत में, तो आप ये ताला खोल लो, तो वही नहीं तो सभी भक्तों की ओर बच गई कि पहले मैं चढ़ाऊँगा। फिर हमारे सूरजगढ़ के भक्त मंगलाराम जी और सावण राम जी का नंबर आया, तो इन्होंने मोरपंख से झाड़ा लगाया ताले को, तो करीब 25 मन का ताला लगा दिया था ब्रिटिश सरकार ने, और वो मोरछड़ी का झाड़ा लगाते ही वो ताला टूट गया और गेट खुल गए। इस दिन से हमारे इस प्राचीन निशान सूरजगढ़ को मान्यता मिली हुई है, उसी दिन से लेकर आज तक बाबा अपने सिर के ऊपर स्थान देता है, और ये पूरे एक साल तक वर्ष भर ये निशान हमारे बाबा के शिखरबंद पर लहराता है, और फिर हम ही दूसरी साल इस निशान को हटा कर हमारा दूसरा निशान बाबा को अर्पण कर देते हैं। और विदेशों से आते हैं, कम से कम हमारी यात्रा में 20-25 हज़ार लोग लगभग चलते हैं, 20-25 हज़ार के बीच लोग यात्रा करते हैं, और इसमें विदेशों से, और इस जो कोई मन्नत लेके आया है इसमें, तो उसकी आस्था पूरी होती है,
बाबा का ये चमत्कार हुआ हुआ है। और ये पूरे भारतवर्ष से होते हैं मैडम, पूरे भारतवर्ष से होते हैं इसके। और एक चीज और मैं नोट करी हूँ कि भाई शायद श्याम जी के मंदिर में जितना पदयात्री जावे ही मैं तो कठे जाता देखा हूँ। और एक खास बात ये भी है, सूरजगढ़ के जो भक्त लोग हैं ये पैदल ही जाते हैं और वापस भी पैदल ही आते हैं। और वापस हम लोग बारस को सही 11:15 बजे निशान चढ़ाकर और वहाँ से हम मंदिर से हमारी धर्मशाला में आते हैं और वहाँ से आकर वहाँ पर भक्तों को प्रसाद वितरण करते हैं और खुद हम ग्रहण करते हैं। उसके बाद हम वहाँ से सही 12:15 बजे के बीच में चलते हैं और फिर हम वापस पैदल आते हैं। और होली के दिन ठीक 11:15 बजे हम सूरजगढ़ प्राचीन श्याम मंदिर के अंदर पहुँचते हैं और वहाँ पर बाबा को आके धोक लगाते हैं। ऊंटगाड़ा की यह खास बात है कि प्राचीन जो है अपनी विशेषता बडका की पूर्वजा की जो चलाई डी परंपरा एने आपा लुप्त कौन करना चाहवा एने जीवित रखने के लिए संस्कृति अपने राजस्थान की है। ऊंटगाड़ा की जो संस्कृति है या राजस्थान की बहुत ही प्रसिद्ध संस्कृति है कि ऊंट की आप बात करें तो अब लास्ट में आपने जो दर्शकन के खाना चाहिए। और एक चीज देखी है कि कत्ता भी लोग ही भाई चाहे भाई कत्ता ही वीआईपी उससे लोग पैदल जो जाना वो पैदल ही जा रहे। मैडम ये विदेशों से देश से और विदेशों से महानगरों से लोग आते हैं जो कि कई अरबों के मालिक कंपनियों के मालिक हैं, सेठ साहूकर और सेठानियां जो कि बंगले से नीचे गाड़ी पे चलती है, गाड़ी से बंगले में एसी में रहते हैं। और यहाँ वीरान जंगल में हमारे साथ ना तो कोई ऐसा कोई साधन है, हम त्रिपाल भी लेके नहीं चलते हैं। और ये श्याम बाबा की करामात है, धूप छाव आंधी तूफान और सभी लोग इसमें कोई किसी का नुकसान नहीं होता है। और एक खास बात ये है निशान में कि आज तक किसी की चोरी नहीं हुई है। हमारे तो की मन की मनोकामना लेके जावा वो बाबो हमारी पूरी करे, 10-20 साल से लगातार चल रहे हैं कि मनोकामना पूर्ण हो रही है। कोई 8 वारे कोई 10 वारे है, कई कई का आदमी है कि 30-40 साल। हाँ, सबकी मनोकामना पूर्ण हुआ। जितना लोग भी जाए कि एक भगवान की आस्था इतनी बड़ी हुआ है कि जो लोग जाए कि ये बताई जो लोग एक भाई अपना रूम कदम भी नीचे को नहीं रखी बाकी लिए गाड़ी तैयार रही वह लोग 5-5, 8-8, 7-7 दिन पैदल चाल की बड़े जाही। आज कमेंट में श्याम बाबू लिख दियो और शेर और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ही बात तक ही पहुँचाते हो। जय हिंद जय राजस्थान।